Hello friends, everyone. Welcome to everyone who are presented here. Okay, today we start standard 12 NCERT based chapter number 3, current electricity. And in current electricity, today's topic is cells in series and in parallel. Means combinations of cells in series and parallel. ठीक है मीन्स की सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं किस टाइप से, दो टाइप से हो सकते हैं हमारा, एक हो सकता है सीरीज और एक क्या हो सकता है पैरेलल के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड टुडेस टॉपिक इज सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सेल्स इन सीरीज. ठीक है, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था, क्या होता था हमारा जो भी सेल्स होते हैं, कोई भी कैपेसिटर्स रेजिस्टर्स ऑल है उस, जो भी सर किस में होंगे, सीरीज में होंगे. तो उनके लिए मैंने कंडीशन बताई थी, वापस रिपीट करता हूँ. तो उनके लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम. ठीक है, एंड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट. ठीक है, कोई भी चीज के लिए चीज याद रख सकते हो, कोई भी चीज सीरीज में होगी या पैरेलल होगी. तो करंट्स आर सेम एंड वोल्टेज आर डिफरेंट. सो फर्स्ट क्या करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं. तो फर्स्ट सपोज फर्स्ट बैटरी एप्सिलॉन 1 इंटरनल रेजिस्टेंस और पॉइंट सपोज बी, और यहाँ पे सेकंड सेल. और सेल्स में देखो, ये कैपिटल जो बड़ी लाइन होगी, लार्ज लाइन होगी, एक बार क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड एंड स्मॉल लाइंस आर रिप्रेजेंट द नेगेटिव एंड. ओके, तो इससे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो बैटरी, तो फर्स्ट एप्सिलॉन एंड सेकंड वाली तो एप्सिलॉन 2. ठीक है, यहाँ पे अगर पॉइंट एम का सीधा कर, इसको कंसीडर कर लेते ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. ठीक है, और इसके पहले हमने सेल के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, याद हो तो उसके लिए एक चीज बताई थी, फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर. वी मीन्स व्हाट, वी मीन्स आउटपुट पोटेंशियल, और आउटपुट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ बैटरी. इसके ए और बी के पॉइंट्स का, तो यहाँ पे हम अगर फर्स्ट बैटरी के लिए फॉर्मूले के, तो क्या आएगा, वी ए बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस आई आर. आर 1 किसके लिए, इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, और आई तो मैंने क्या बोला, अब सीरीज में, तो यहाँ से जितना करंट फ्लो पास हो रहा होगा सेकेंड बैटरी में से भी उतना ही करंट पास होगा, तो दोनों के लिए आई डिफरेंट लिखने की जरूरत नहीं है. और इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखना, तो क्या आएगा, वी इज वी बी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर. ठीक है, अब इसका मान लो अगर टोटल पोटेंशियल निकालना, तो उसके लिए क्या लिख सकते हो, वी ए सी. एंड व्हाट इज द वी ए सी, वी ए सी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी. ठीक है, और यहाँ पे देखो एक स्टेप कर रहा हूँ मैं, अब वी ए माइनस सी इसकी यहाँ से यहाँ तक का, तो उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, वी ए बी प्लस वी बी सी. ठीक है, तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन करो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फर्स्ट ए बी के लिए एप्सिलॉन 1 माइनस आई आर 1 प्लस इसके लिए क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2. ठीक है, और पोटेंशियल एंड कंसीडर कर लेते हैं, ए और पॉइंट सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज सी वी. ठीक है, और देखो अब यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकाल, तो एप्सिलॉन को कंसीडर कर लेते हैं, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और आई आई कॉमन, सो आर 1 प्लस आर 2. देखो यहाँ पे हमने दो बैटरी कंसीडर की, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन. मतलब सपोज देयर आर 3 बैटरीज, सो फॉर्मूला इज वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 एंड माइनस आई आर 1 प्लस आर 2 प्लस आर 3. और रेजिस्टेंस के लिए हमने ऑर्डिनरी फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है कि पैरेलल में होंगे या सीरीज में. सीरीज के लिए फॉर्मूला कहता है आर इज इक्वल टू आर 1 प्लस आर 2 प्लस आर 3, यहाँ पे सीरीज में है तो ऑलरेडी फॉर्मूला आ रहा है, मतलब हमारा फॉर्मूला करेक्ट. ठीक है, और देखो यहाँ पे एक चीज और होगी, दोनों बैटरी को अगर हमने सेम वे में कनेक्ट किया, इसकी दोनों के पॉजिटिव एंड एक साइड है, दोनों के नेगेटिव सेम साइड है. ठीक है, और ये भी डिफरेंट होता है, इसकी इसका पॉजिटिव एंड इस साइड और इसका पॉजिटिव एंड इस साइड होता है, इसके ऐसे हो गया. देखो इसका पॉजिटिव इस साइड आएगा और इसका पॉजिटिव लेफ्ट साइड है, इसका पॉजिटिव राइट साइड है, तो हमारे लिए क्या आएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ से हम फ्लो कर रहे, तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना और बाकी करने की जरूरत. अब देखो इसी के लिए जैसे वहाँ पे हम क्या लिखते थे, इक्विवेलेंट लिखते थे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और आर के लिए क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आर इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर 1 प्लस आर 2. देखो दो बैटरी के लिए, सपोज देयर आर एन बैटरीज, सो प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन एन, सो प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस आर एन, आर एन स्मॉल देखो किसके लिए रहेगा हमेशा स्मॉल आर, पूरे फिजिक्स में किसके लिए यूज करेंगे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। इतना सा स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट डाउन कर ले आराम से। और इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे सेल्स इन पैरेलल, और करंट क्या हो जाएगा यहां पे डिफरेंट एंड वोल्टेज इज सेम, ठीक है। उसमें देखो हमने आई आई रखा था, वी ए बी और वी बी सी अलग अलग लिखा था। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एक फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा एप्सिलॉन वन, इसको कंसीडर कर एप्सिलॉन टू आर वन आर टू। अब देखो यहाँ से मान लो तुमने एक बड़ी बैटरी, जैसे कि दो स्मॉल बैटरी हमने कंसीडर किया 2 वोल्ट 4 वोल्ट, और यहाँ पे हम अगर बार लार्ज बैटरी लगाते हैं जिसकी वैल्यू मतलब 50 वोल्ट, तो यहाँ से क्या होगा करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो के यहाँ जाएगा इस एंड पे जाएगा, और इस एंड से हम यहाँ पे देख रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है दो पार्ट में डिवाइड होगा, इसके लिए करंट आई वन और इसके लिए करंट क्या हो जाएगा आई टू, ठीक है। और यहाँ से करंट फ्लो के कितना जा रहा होगा आई वन, और यहाँ से करंट फ्लो के कितना आ रहा है आई टू, और वापस दोनों कंबाइन होकर करंट कितना आ जाएगा आई, और हो जाएगा आउटपुट के लिए, ठीक है। देखो करंट एंटर कितना किया आई, और वापस करंट लीव भी कितना कर रहा है आई, ठीक है। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम एक चीज बोल सकते हैं आई क्या कर रहा है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आई के लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू, ठीक है। आई के लिए वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, देखो तुम्हें आई वन की वैल्यू डिराइव करनी है और वैल्यू पुट करनी, आई टू की वैल्यू डिराइव करनी और आई टू की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और कहां से जो हमने पिछले वाले में देखा था सेम एज इट इज फॉर्मूला, इसके लिए वोल्टेज मान लो वी है, वोल्टेज सेम रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। तो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला फर्स्ट बैटरी के लिए लिखे हो तो एप्सिलॉन वन माइनस, देखो वहां पे हमने आई वन और आई टू नहीं लिखा था, क्यों, क्योंकि करंट सेम था, यहाँ पे दोनों में करंट डिफरेंट है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आई वन आर वन, और इसके लिए करो तो अब देखो पहले इसमें से आई निकाल लेते हैं, आई वन की वैल्यू माइनस आई वन आर वन इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस आई वन आर वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन माइनस वी, ठीक है। आर वन मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, सो आई वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन माइनस वी अपॉन आर वन, और ऐसे ही क्या निकालेंगे हम आर टू, आर टू के लिए देखो फॉर्मूला सेकंड बैटरी के लिए वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई टू आर टू माइनस आई टू आर टू इक्वल के इस साइड आएगा तो एप्सिलॉन माइनस वी, ठीक है। आर टू मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, सो आई टू इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन आर टू, ये हो जाएगा एप्सिलॉन टू, ठीक है। देखो आई वन की वैल्यू मिल गई आई टू की वैल्यू मिल गई, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, सो आई इज इक्वल टू व्हाट आई वन प्लस आई टू, एंड आई वन इज इक्वल टू व्हाट एप्सिलॉन वन माइनस वी अपॉन आर वन प्लस आई टू इज इक्वल टू व्हाट एप्सिलॉन टू माइनस वी अपॉन आर टू, ठीक है। अब दोनों के साथ क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से बेटर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो डायरेक्टली अपने आप आंसर आ जाता है, वैल्यू हो तो हम एलसीएम ले सकते हैं, बट फॉर्मूला के लिए हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, इसके लिए डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटर वे रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा एप्सिलॉन वन इंटू आर टू माइनस वी इंटू आर टू प्लस आर वन, सो एप्सिलॉन टू आर वन माइनस वी इंटू आर वन, और डिवाइड में क्या करो मल्टीप्लाई आर वन अपॉन आर टू। अब देखो एप्सिलॉन वन वाले को एक साइड कर लो, एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन, ठीक है। इसमें से अगर देखें तो वी कॉमन निकाल लो, वहाँ पे भी आएगा एक वी, वी वी कॉमन निकालो, वी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वी आर वन, वी कॉमन निकालो तो क्या बचेगा आर वन प्लस आर टू, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं आर वन इंटू आर टू, ठीक है। अब देखो इसमें से एक चीज़ और कर सकते हो, अब जैसे अगर हम के जैसे बोला था हमारा फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई बाई टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू, एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम वापस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आर वन आर टू दोनों को हम सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वो कर देते हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन आर टू अपॉन आर वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन आर वन आर टू माइनस वी
दो बैटरी के लिए किया तो हमारा फॉर्मूला आया I is equal to epsilon 1 upon R1 plus epsilon 2 R2. मान लो 3 batteries होती तो क्या आता? Plus epsilon 3 upon R3. 4 batteries होती तो plus epsilon 4 upon R4. ठीक है? तो ये याद रख सकते हो, बाकी दो battery के लिए कर दो बहुत है. ठीक है? और n battery के लिए हो तो directly तुम वैसे भी कर सकते हो. ठीक है? Suppose n battery हो तो उसके लिए formula क्या आ जाएगा? Epsilon equivalent upon R equivalent is equal to epsilon 1 upon R1 plus epsilon 2 upon R2. प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन एन अपॉन आर एन. ठीक है, ऐसे कर सकते हम डायरेक्टली. ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना.